एक जगह गोला करने की जगह दो दो जगह गोला कर दिया गया, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है, तो इसको लेकर तो शिकायत करनी चाहिए ना। देखिए शिकायत बार बार हम लोगों ने ये सब चीज़ मांग रखा कि बार बार ये चीज़ हम लोग जितने बार मैं चेयरमैन से मिलने गई मैंने सुधार की मांग रखी। और ये गोला जो है उनके सामने प्रूफ है कि वो जो है वो ओएमआर सीट को मतलब साइट पर डाले हुए हैं। जो बच्चे 119 है उसका क्या है कि इस बार जो साइट पर जो मार्कशीट डाला गया है तो उसमें किसी का 117 बता रहा है और किसी का वो बढ़ भी गया है। तो भाई आप किस तरीका से उसको मतलब सिस्टम को किए हैं कि किसी का बढ़ जा रहा है और किसी का घट जा रहा है, ये तो कहीं से उचित नहीं। आपको साफ जाहिर है जहां तक वो सबूत खोजते हैं, हमेशा सबूत की बात कर रही है सरकार, तो सबूत तो सबसे पहले उनके सामने है बीड कुंवर सिंह कॉलेज के 400-500 स्टूडेंट बैठ कर एग्जाम दे रहे थे, अभी तक वो कहां है, उनको क्यों नहीं अरेस्ट मतलब ये सरकार कर रही है। और 400 स्टूडेंट को बिहार लोक सेवा आयोग बैठाई है तो उसके कर्मचारी को अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट किया गया है, कहां है सरकार, वो जेडीयू सरकार कहां है, तेजस्वी कहां है, अभी भाजपा सरकार कहां है, जो हम लोग एक भी युवा पर जो है ये मतलब आवाज नहीं उठाती है। सभी युवा के रोजगार की बात करते हैं, 10 लाख युवा के रोजगार की बात करते हैं, सबसे बड़ा सबूत उनके सामने है, उनके सामने जो है क्वेश्चन पेपर वायरल का जो है उनके दिलीप भैया जो उनके सामने प्रूफ दिया, इससे बड़ा सबूत क्या होना चाहिए। राजस्थान में अभी दरोगा एग्जाम हुई है, थोड़ा भी धांधली हुई है वहां सीबीआई जांच चल रही है, क्या यहां बिहार में नहीं हो सकती है, केरल में चलती है, कर्नाटक में जो भी क्वेश्चन पेपर आउट होती है उस पर सीबीआई बैठती है, राजस्थान में होती है उस पर सीबीआई बैठती है, क्या बिहार में नहीं बैठ सकती है। हम लोग जाते हैं आंदोलन करने के लिए, बेटियों को मार कर लाठी से थाना पर बंद किया जाता है, क्या सरकार जिम्मेवार है कि जिस बेटियों को जो है थाना पर बंद करता है उसकी क्या अच्छे परिवार वाले शादी के लिए एक्सेप्ट करेंगे, क्या उनकी बेटियां जेल आएगी, क्या वो बैठ कर अपने बेटियां को एसी में बैठाते हैं, दूसरे को बेटी को रोड पर घुमाते हैं, कहते हैं कि बेटी पढ़ो और बेटी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो राजग हो, चाहे राजद हो, मैं सबके खिलाफ हम लोग नारा करूंगा, छात्र यूनिटी एक संग होंगे और हम लोग लड़ेंगे। अब आर पार की हम लोग की लड़ाई, ये तो सारी चीजें बातें ठीक है समझ में आता है, लेकिन इसका समाधान क्या निकलेगा ये पूछिए ना विकास, इसका समाधान क्या निकलेगा। सरकार तो कह रही है कि हम जांच करवाने को तैयार है, अगर ऐसे कोई कंप्लेन है सबूत लेकर आए हम जांच करवाने को तैयार है, सीबीआई जांच की हामी तो नहीं लेकिन अपने यानी आयोग की तरफ से जांच करवाने को तैयार है।